सीन है यहाँ पे, अगर गाड़ी फंसे हमारे तो वहाँ पे बस चाबी वाले को ले के आओ, चाबी निकालो, इतनी बड़ी तो वो गाड़ी ले आए। Well, ladies and gentlemen, boys and girls, hey, what's up? This is Samar. Welcome to my YouTube channel, Raza Kazmi Vlogs. Good morning. By the way, it's not good morning, it's afternoon. Right now, we are in Huddersfield, the Great Britain, UK. तो सीन ऐसा है कि हम इतनी फुर्ती से इसलिए बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ग्रॉसरी करनी है और आज इनके घर में है महफिल, उसके लिए ग्रॉसरी करने जा रहे थे। तो मैंने कहा यार सुबह का उठाऊं, अब वैसे भी वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगा दी है, तो जल्दी से जाते हैं ग्रॉसरी करते हैं और देखते हैं यहाँ पर ग्रॉसरी में क्या कंपैरिजन, यहाँ पर जाके ग्रॉसरी का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से। और जाहिर है यहाँ के लोग ऐसे पाउंड्स में कमाते हैं तो फिर पे भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है यहाँ पे, ग्रॉसरी मार्केट्स हैं कैसी। सो गुड सो फार, मास्क की वैसे ज़रूरत नहीं है ना यहाँ या मार्केट्स में होती हैं। अरे 20 पीसेस हैं कितने के? 3.50 पेंस। और यहाँ पे डाबर वालों की भी प्रोडक्ट रखी हुई है, मतलब इंडियन प्रोडक्ट सारी हैं। यहाँ पे ज्यादा तो सारी चीजें डिस्पोजेबल ही चल रही हैं। शान के मसाले भी हैं यहाँ, हैदराबादी अचार भाई, इंडियन प्रोडक्ट्स भी मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा, नेशनल इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन पाकिस्तानी। मैं इतने तेज़ शॉपिंग कर रही है ना, मतलब जो जो चीज़ें उन्होंने लेनी है उन्होंने फ़ौरन डालना शुरू कर दिया। अभी यही मामा शॉपिंग कर रही होती है ना तो उनको बहुत टाइम लगता है। असल में आपके यहाँ पे बाहर बैठा हुआ नहीं है ना फीका के, जिससे सब्जी थोड़ी सस्ती मिल जाए। चैरीज लगी हुई है 7 पाउंड पर केजी के, यहाँ पे डलो बस शॉपिंग हो गई, अभी आके रखेंगे। मैं रखा तो ना ये ले आते हैं, क्या करना है, फोन कॉल पर लगे हुए हैं। बस सीन ऐसा कि ग्रॉसरी कर ली है, अब यहाँ से जा रहे हैं इनकी खाला की तरफ, वहाँ ग्रॉसरी ड्रॉप करेंगे, नाश्ता करेंगे आज उनकी तरफ। okay. नाश्ता है यार, मस्जिदें भी बनी हुई हैं यहाँ पर जगह जगह, मतलब जितनी पाकिस्तान में हर गली में मस्जिद होती है ना यहाँ पे भी हर गली में मस्जिद है। और हम बाय वॉक जा रहे हैं, उनके घर करीब ही है तो, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा वेदर इन्जॉय कर लेते हैं, गाड़ी में तो पूरा दिन फिरते रहते। चीज़ मैंने नोटिस की है कि बारिश हो रही है ना तो ठंड नहीं लगे, जैकेट बहुत मोटी पहनी हुई है शायद, और अगर वो हो रही हो क्या कहते हैं मौसम थोड़ा क्लियर हो तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होती है। यार खूबसूरत घर बना हुआ है, इसने बड़ा अच्छा बनाया। हम पहुंच चुके हैं और अब अंदर जाने लगे हैं। जी सर किधर? जी सर गाड़ी लॉक हो गई है यार, दूसरी वाली वहाँ पे खड़े हुए थे। तो हो गया काम उसका? नहीं अभी नहीं हुआ खत्म, अभी वो डबल। यार ये कौन सी BMWs खड़ी हैं? अच्छा ये है ये है 5 सीरीज BMW, 17 रेज मतलब के 17 मॉडल है। ओके लेफ्ट में जो है ये है 19 मॉडल है, इसमें भी प्राइवेट नंबर प्लेट है, और फिर उसके बाद ये है स्पोर्ट्स में आती है टर्बो में i40। और ये भाई कौन है जो आ रहा है? ये शरारती सा लग रहा है, तो शरारती नहीं है मासूमी है। मासूम है। वेल गाइस ये ब्लू कलर की गाड़ी है जो उसने दिखाई थी आप, इसकी चाबी इसके अंदर रह गई है और ये गाड़ी लॉक हो गई है। अब आएंगे दो दिन इंश्योरेंस वाले होते हैं और वो इसको देखेंगे। गाइस
यही सीन है बस, अब जब तक आता है कोई इंश्योरेंस वाला क्या होगा पता नहीं है। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब हमने वहाँ तो मेहरान की चाबी गाड़ी में छोड़ो, स्केल डालो और निकाल लो। 20 मिनट्स के बाद ये गाड़ी आई है, पता नहीं क्या रिकवरी लगे हुए हैं लोग। हाँ भैया क्या सीन हो रहा है, ये क्यों आई है गाड़ी? अपने ये गाड़ी रिकवरी डिपार्टमेंट है ये, अब गाड़ी को या उठा के उसमें डाल, या तो गाड़ी को उठा के उसमें डालेंगे या तोड़ के यहीं रहने देंगे। तो ये सीन है, आप अगर गाड़ी फंस जाए हमारे तो वहाँ पे बस चाबी वाले को ले के आओ, चाबी निकालो, इतनी बड़ी तो वो गाड़ी ले आया। गाड़ी खुल गई है उनकी और अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर की तरफ, ऐसा ही है। वेल गाइस घर वापस आ चुके हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, चाय शाय पीते हैं, अंदर तक ठंड पहुंच चुकी है। और सरमत से बैट लेके मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे वहां जाके क्रिकेट खेलनी थी, मैंने सोच के आया था कि मैं हुसैन के साथ क्रिकेट खेलूंगा। मैं सो रहा था अच्छी वाला, हाँ ये सो रहा था, मैंने कहा यार चल क्रिकेट खेलने चलते हैं और अब रूटीन बनाएंगे इसको, क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं, मतलब आधा घंटा घंटा खेलें तो थोड़ा फिट रहेंगे, जिम की जरूरत नहीं पड़ेगी और माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा। वो सामने पवेलियन है, घर के पास ही है। इनका जो है ना घर के पास वाला नियरेस्ट पार्क है और यहाँ हम खेलेंगे क्रिकेट, ठीक दो दिन के बाद ही हमने अपनी क्रिकेट शुरू कर और आज तो मतलब बस ट्रायल वर्जन है, कल से रेगुलर टाइम से आया करेंगे। के टाइम बच चुके हैं शाम के 5:30 और रोहन भाई इस बात के गवाह है और असद भी इस बात का गवाह है, लड़के को मैच हराया है मैंने। यहां अभी पता चलेगा ये पाकिस्तान से आया बंदा, इन दोनों ने साइड लेनी है। अरे दादा की तरह, अरे दादा चीटिंग कर रहे हैं, इसको मैच हराया है, नहीं कर रहे देखो। अच्छा दोनों बोले किसने गुम किया, तूने की मेरी बैटिंग का आई है फिर है ना, मेरी बैटिंग नहीं आनी थी इस बंदे ने, दोनों बोलो में इसलिए मारी, कहने एक आदमी के साथ उसको बैटिंग नहीं देनी, हुसैन का आदमी को बैटिंग नहीं देनी। देखो ये दोनों हंस रहे, देखो देखो ये लड़का मैच हारा अभी रो रहा है, ले ले भाई हम हार गए भाई, कबूल करते हैं यार, इज्जत कबूल है यार, हम हार गए इन्हें कॉपीराइट आ जाएगा। अभी का बस सीन यही है, अब घर की तरफ निकलते हैं, अंधेरा हो गया, अभी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, अब यहाँ के होना शुरू हो गया यार। हुसैन ये भी आ रहा है, हालत तो देखे इसकी, इधर मैं ये भी फेंक सकता हूं ना, ज़ारा की जैकेट पहन के गए हुए थे हम तो, ज़ारा ने क्या पहना, ज़ारा ने मुझे पहन लिया। किधर से आ रहे हैं आप इतनी लेट, इतना लेट, 7 बजे सुबह मैं 8 बजे का निकला हूँ, सुबह हाँ सुबह 8 बजे निकले हो ना, 12 घंटे सर इतना लेट, खैर बस देख लो यार यूट्यूब चला, हाय हाय यहाँ पैसे कमाएंगे वहाँ शादी पे उड़ाएंगे, ढोल पे भी तो उड़ाना है, हाँ ना बेल। ओए अगे ना खचा बैठ गया, वो सारे उतरते हैं, तू भी आई आगे, तू भी आई आगे, फिर ऊबर करते हैं, ऊबर वाला कहता यार चार तुसी पीछे बह गए हो ते अगे बैठो, आगे ये हो गया, चलो कर ले मोमेंट, खैर है कहना मैं भी पीछे बैठा आगे।